see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. ये होल बना हुआ है और इसके अंदर हमने आज भी देखा है और आपको उसकी जानकारी दी। क्या बोलते हैं इसको? ये कौन सी जगह है? ये माता से ले जाना हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज रावतबाटा का जो राणा प्रताप सागर बांध है, यहाँ पर जो पुराना जो पंप हाउस था इसकी कुछ टंकियाँ यहाँ पर बनी हुई है। पिछली बार भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा मगरमच्छ आ चुका था इसके अंदर, इस बार भी एक मगरमच्छ आया है। तो अब इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जाएगा, जिसमें हमारी पूरी टीम साथ है। हरपाल जी हैं और यश जी हैं, विक्रम जी हैं, अनीश जी हैं यहाँ पे, और ये अपने नीतू बैरागी जी हैं, ये हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं डैम के, इन्होंने बुरालाल जी हैं, इन्होंने हमें सूचित किया यहाँ पे, और अब हम इसका रेस्क्यू जो है वो चालू करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम ये सबको जानकारी देंगे किसको क्या करना है, पूरी टीम को। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट है यहाँ पर, ये कम से कम भी 15 फीट की यहाँ पर हाइट है, 15 फीट, और स्पेस भी काफ़ी कम है यहाँ पे। तो हमें अब देखना है रेस्क्यू इसको करना है। तो विक्रम जी आप ये जाइए, अनिल जी आप वहाँ पर जाइए, और यश और पाली जी हम तीनों वहाँ पर रहेंगे छोटी इसकी दीवार। ठीक है, एक मिनट जूते किसी के जो शूज हैं, जूते तो पहन, ये फिसलते तो नहीं है ना यहाँ पे, जैसे दीवार पे फिसलते तो नहीं है ना, पकड़ा। इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि हाइट ज़्यादा है, मैं अपने शूज उतार रहा हूँ, ये फिसल सकते थे। इसे डबल कर दूँगा, डबल ही नहीं नहीं ये मगरमच्छ छोटा है, इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल जो है ये मिठान इसमें मारी है, ताकि इसका मुंह ज़्यादा नहीं दबे और इसकी सांस नहीं रुके। जैसे हम इसके ऊपर वाले जबड़े पे रस्सी लगाएंगे तो ये ऐसे नॉर्मल फंदा बनता है, ये ऐसे अंदर जाता है और ये मुंह बंद हो जाता है। किसी भी जबड़े पर हमको ये लगाना है, ये इसका है। अब ये इस तरह से हमने फंदा बनाया है, और देखते हैं अगर ये वहाँ तक पहुँचता है। अली जरा और यश इधर है ना, बिट्टू जी आप इधर ही रहिए, बिट्टू ये स्टिक संभालो, ये स्टिक सामने दे दो, यस चलो एक मिनट, ये मोबाइल दे दो, मोबाइल लाया क्या? मोबाइल सब देखते निकल, पिछली बार हमारा मोबाइल खराब हो चुके, टूट जाते हैं।
इस तरह आजा मेरी तरफ मैं बता रहा हूं रुक 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 मैं बोल रहा हूं अरे इधर सुन अरे इधर आ जा अरे वाले उसको जाके खींचना देख ओ तू उस पे चला जा उधर जाके खींचना दीवार से लेके तब उस पे चला जा पाजी भाई अपने हाथ में भी है ये चीज अरे हाथ से भी कर 5 मिनट सब चुप रहो छोटा कर उसे और छोटा कर अरे और छोटा कर रुकना तू ना परेशान है ऊपर वाले जबड़े पे अब उस पे चल जा तू इधर दीवार के पास ऐसे नहीं खींचेगा पड़ेगा नहीं नहीं को दे टीपू को दे टीपू टीपू रस्ते में बांस लंबा करना झटका लगा गिर जाएगा मैंने देख लिया दो बार हिल गया ये तो एक बार हिल गया उसको दे दे उसको पकड़ा दे पकड़ा दे अरे उसको पकड़ा दे दो मिनट रस्सी जिस स्पीड से खेती थी ना मैंने उस स्पीड से आएगी एक बात रख बस अब ले अब बहुत सही जगह बहुत सही पोजीशन है पीछे जाके खींचो बहुत सही पोजीशन है अरे काम कर टिपू 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 इसी पोजीशन में दो या इस जगह गठान बना ले और दोनों साइड से पकड़े खींच लो इसी पोजीशन में इस जगह से सेंटर में अरे अभी देखता अगर होगा ठीक है नहीं तो अरे लंबी मत कर लंबी मत कर संजी हम्म
पीछे एकदम पीछे चल जाए एकदम पीछे की तरफ से खींचना है जोर से खींचते एकदम से खींचते दोनों रस्से को इसके पास ले जा नीचे और उस जगह गठान बना ले और ऐसे कैसे पकड़ ले। अरे कर तो सही दोनों लेके आ गया सही जगह नीचे वाले पे रहना नीचे वाले ऊपर हाँ बस नीचे अंदर नीचे रस्सी का दूसरा मुंह लो इसके पूंछ तक पहुंचो रस्सी का दूसरा मुंह लो इसके पीछे पहुंचा के इसको लिफ्ट करना है अपने को ऐसे नहीं करना तीन बार जा रही है रस्सी रुक जा टीपू ऐसे रख ऐसे रख इसको नीचे से बस रख ले लो इधर से दो इधर से नहीं करो एक जा उसको हां इसको इधर से दो अब एक मिनट है ना रुक जा एक मिनट टीपू ये दोनों साइड में रस्सी आएगी पीछे से हां ऐसे कैसे रस्सी डाल दो टीपू के हाथ के नीचे से डाल दो अरे मुंह के आगे डाल दे पैरों के नीचे बस ऐसे कैसे ले लो फटाफट ले फटाफट ले फटाफट ले लो फटाफट ले फटाफट ले फटाफट ऊपर ले लो पाली भैया थोड़ा सा साइड में ऐसे पास में नहीं आते रस्सी मैंने जो डलवाई थी वो अलग तरीके से डलवाई थी रुकना एक मिनट हाथ में छोड़ सकता हूँ रुक जा एक मिनट एक गठा मारना तो घर को पकड़ना तो फिर पीछे से पहले इसको अपन उधर ले चलते हैं खुले में ले लो खुले में ले चलते हैं पीछे से पकड़ती हूं पीछे से रुकना एक मिनट पीछे से पकड़ पेन कर लो आप एक जाना जाओ टेप लेके आओ जा बिट्टू क्या बिट्टू चोरी वाली क्या बात है एक मिनट एक हाथ यूं कर वाइट वाली है वो ग्रे वाली तस्सी निकलेगी अब ना मैं क्या बोल रहा हूं निकलेगी रुको रुक एक मिनट रुक ऐसे मत निकाल ऐसे मत निकाल ऐसे मत निकाल निकल जाएगी रुक मैं बताऊंगा करूंगा ना तो हल्का सा ढीला करूं हल्का करो हां कर जा रुक जा।
थोड़े से ना जगह दो उसको वीडियो बनाने में। रुक एक मिनट, रुक रुक रुक, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बात सुनो, अभी इस रस्सी को मत खोलो, अगर ये खुल गई ना इधर भाग दौड़ लगा दिया इसने। हाँ, उसका पीछे से पैर बांधो ना पहले, ये ले लाओ पिछले पैर बांधो, बांधो पीछे के भी बांधो ना आगे के भी बांधो, पैर बांध कैसे बांधते हैं, उठा के ऊपर ले दोनों और ऊपर ले दोनों, यूं कर ले, नहीं 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 ये वाला आगे वाला नहीं, आगे नहीं आगे, यूं कर ले बस दोनों, चलो बस ऊपर बांधो। आवाज सुन रहे हो, यही आवाज करता है ऐसे, रुक 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 पानी पे बांधने की रुक रुक जा रुक जा रुक जा तन्वी इसकी आवाज भी है। मगरमच्छ का जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, तो काफी मुश्किल रेस्क्यू था, तो छोटा मगरमच्छ था इसलिए इसमें इस रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी, पर इसको बाहर निकाल लिया गया है। अब इसको सुरक्षित बेसोड़गढ़ अभ्यारण्य के क्रोकोडाइल पॉइंट पे इसको छोड़ा जाएगा। Hold on, just let us escape and fly away tonight. ये जो क्रोकोडाइल है ये राणा प्रताप सागर बांध के जो गेट खुले थे उनमें ये बाहर आ चुका था, और ये काफ़ी छोटा है, जो पानी का बहाव ये सहन नहीं कर पाया इसलिए ये इस गार्डन में आ चुका था, और इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। ये गर्मियों में धूप सेकते हैं, धूप से भी इन्हें ताकत मिलती है, ये चार्ज होते हैं, तो हो सकता है इसलिए पानी से बाहर निकला हो, पर मेन कारण इसका यही है कि अभी कुछ दिनों पूर्व जब गेट खुले थे तो इसलिए ये पानी से बाहर आ चुका है, और अभी इसको रेस्क्यू कर लिया है। आज राणा प्रताप सागर बांध जो आप देख रहे हो, जहाँ पे जो पुराना जो पंप हाउस था जहाँ से वाटर सप्लाई होती है राउत भाटा में, तो वहाँ की जो खाली पड़ी जो टंकियाँ हैं उनमें एक 3 से 4 फीट का जो मगरमच्छ है वो आ चुका था, और उस टंकी में वो गिर चुका था, तो हमें सूचना दी यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन्होंने, तो हम यहाँ पर आए और आज इसका रेस्क्यू करने जो हम आए यहाँ पे हमने उसका रेस्क्यू किया। काफ़ी मुश्किल था ये रेस्क्यू, क्योंकि जो टंकी थी वो 15 से 16 फीट के नीचे ये था, हमारे पास कोई उपकरण नहीं था इतना कि हम इसको मतलब निकाल सकें, पर फिर भी हमने एक रस्सी की मदद से इसको निकाला है, और पिछली बार भी एक मगरमच्छ आया था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत हुई है, और टंकी तक पहुंचने का इसका कारण ये है कि अभी कुछ दिनों पूर्व जब यहाँ पे गेट खुले थे, 16 गेट यहाँ पे खुल चुके थे, पानी का बहाव काफ़ी था, तो इस वजह से ये पानी का बहाव नहीं झेल पाया और ये ऊपर यहाँ पे इस गार्डन की तरफ ही चढ़ चुका था, और अब ये पानी की तरफ जा रहा था, लेकिन मगरमच्छ का एक कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा पानी होता है ये उस ओर जाता है, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, ये नीचे जो कम पानी है वहाँ पर नहीं गया, और ये पहुँचते जो यहाँ की टंकी है पानी की उसमें जा गिरा। अब इसका रेस्क्यू कर लिया गया है, अब इसको सुरक्षित तरीके से बेसोड़गढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ का जो क्रोकोडाइल पॉइंट है जिसको काफ़ी फेमस माना जाता है, जहाँ पर 50 से 100 मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होते हैं
वो सर्दियों में एक साथ देखे जा सकते हैं। इसको फिलहाल वहीं पर छोड़ा जाएगा। हमारे साथ इस अभियान में जो लोग थे, हरपाल पाली और विक्रम सिंह अनीस, और हमारे जो कैमरामैन हैं शोएब खान, फोटोग्राफर राउत बाटा सर, इन्होंने यहाँ पर पूरी शूटिंग करी है जो हमने आज रेस्क्यू किया है। तो अभी रेस्क्यू हो चुका है फिलहाल, अभी हम इसको अब वन्य जीव अभ्यारण्य इसको लेके जाएंगे, वहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। जो जबड़े मुँह पे जो रस्सी थी ऊपर वाले जबड़े पे, वो हम खोल चुके हैं। अब इसको टेप से इसको
feel like I linger. I got enough.